बच्चे के अपहरण के बाद में हत्या हुई है उसमें शामिल थे आप? नहीं थे। नहीं थे? नहीं थे। तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि झूठा ही है? हाँ। और ये सुनील कौन था फिर? ये सुनील हमारे तेरा भाई। तो ये इसने तो कबूल करा है आप शामिल थे इस योजना में? सर वो किसी कारण बस पता नहीं क्यों किया, लेकिन हम सब नहीं थे, हमारे सब कोई कसूर नहीं है। हम शुरू से ये कहते चले हैं सर, हमारा कोई कसूर नहीं है। कैसे संबंध थे आपके किसके किसके साथ जिनका बच्चा मरा है? इनसे सर मैं बचपन से कोचिंग पढ़ता था इनकी क्लास में, बचपन से। अच्छा अच्छा। उनकी मैसेज के मोबाइल में आपके नंबर वगैरह मिले थे? नंबर वगैरह सर क्या रिलेशन था, आते जाते थे, ये हमारे हर कार्यक्रम में आती जाती थी, दो दिन पहले भी हर कार्यक्रम में आती जाती थी सर, शादी से पहले सर काल भी होती थी, क्योंकि सर यही हमारी दीदी के लिए सर पाले वगैरह लेके जाती थी, यही हमारी दीदी के लिए सामान वगैरह खरीदवाया था इन्होंने, तभी सर काल वगैरह होती थी। इसके अलावा कुछ और कोई संबंध तो नहीं? कोई सर सब संबंध नहीं है, मैंने सर सब जानकारी दे दी। अब आपको सर टेस्ट वगैरह कराना वो भी करा नहीं। टेस्ट के लिए पुलिस कह रही है करवाने में तैयार है? तैयार है सर बिल्कुल, कोई सा भी टेस्ट कराइए। सर हम दोषी नहीं है सर, हमारा कोई भी टेस्ट कराइए। क्या नाम है आपका? गीता। गीता देवी। ये जो सुनीत अभी गए हैं जेल भेजा गया है, कौन से आपके बेटा? तो इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है ये क्या है, क्या कहना चाह रही है? झूठ लग रहा है हमारे बच्चों के ऊपर। लेकिन जो सुनील पकड़ा गया है उसने नाम दिया है आपके लड़के का? उससे कल बात कब आई गई है तब उसने कही है। और जो वो उनका बच्चा खत्म हुआ है, जो उसकी माँ थी बच्चे की, उनके मोबाइल में भी नंबर मिले आपके लड़के का? जब वहाँ ट्यूशन जाते हो तो सर के नंबर है। तो क्या शामिल नहीं है आपका निर्दोष है हमारा बच्चा?